ओम शांति। ओम शांति। आज के इस एपिसोड में दोबारा से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि इस मंथ बाप दादा की अव्यक्त पालना की सीरीज चल रही है, और उस सीरीज में अगर हम और आगे बढ़े तो चलते हैं जयपुर की ओर। और जयपुर में हमारे बहुत ही सुंदर और बहुत मन के सच्चे तन मन धन से बाबा की सेवा में लगे हुए आदि रतन हमारे मदन लाल शर्मा जी भाई साहब का बहुत बहुत इस एपिसोड में स्वागत है। ओम शांति भाई ओम साहब, शांति। ओम और शांति। वेलकम टू इन द भाई साहब। जैसे कि इस सीरीज में बहुत समय से 10 दिन से भाई बहनें सुन रहे हैं और बहुत सुंदर अनुभव आदि रत्नों के कर रहे हैं, तो अभी जहां तक मुझे पता है इस यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में, शिव बाबा के इस यज्ञ में आपने अहम भूमिका अपनाई है। तो ना केवल अपने धन को, लेकिन अपने मन को, अपने गृहस्थ जीवन को और समाज को भी इस ईश्वरीय सेवा में बहुत ज्यादा लगाया है। बहुतों को परिणाम देने के आप निमित्त बने हैं। तो सबसे पहले मेरा यही प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे आपने अव्यक्त पालना की बात करें, तो अव्यक्त पालना से पहले आपने ब्रह्मा बाबा की बहुत पालना ली है, और मुझे पता चला है कि आप उनके अंग संग भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का ये मास चल रहा है, अव्यक्त लोग सब आराम से प्यार से बाबा को इस मास में याद करते हैं। तो आप ब्रह्मा बाबा के साथ थे, आपके ब्रह्मा बाबा का कौन सा गुण आपको विशेष प्रिय लगता था? देखिए, मेरी शुरुआत आज के सन 65 में कलकत्ता में पहली एग्जीबिशन देखने से हुआ था, और उसमें ज्ञान भ्राता निर्वेद जी वगैरह ने सभी ने दिया था, और ज्ञान से मैं पूरा संतुष्ट था और बाबा से भी के जीवन से मैं संतुष्ट था। और वहां के बाद में मैं 1 महीने में ही बाबा से मिलने के लिए मधुबन चला गया, और मधुबन बाबा के मिलने के बाद में आप जानते हो बाबा का तो वो तो एक ऐसी स्थिति जो हर हर ब्रेन को वॉश कर देता है। तो मैंने बाबा से 1 हफ्ते रहा वहां पर, बाबा से खूब मिला जुला, उनका रहन सहन देखा, उनका जीवन देखा, और लोगों का जीवन देखा। तो मैं ऐसा समझ लो बाबा के ऊपर कुर्बान हो गया था, बलियार था कि मैं मुझे इस जीवन में चलना है, बाबा के साथ चलना है और ये जीवन में पूरा फॉलो करके चलना है। और उस निश्चय का मैं आज तक 60 वर्ष से पालन कर रहा हूँ और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला है। अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा का मैं कहूँगी सब कुछ सार ब्रह्मा बाबा में समाया हुआ है, उसमें कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा का जीवन देखो और जीवन से सारी प्रेरणा अपने आप मिल जाती। मैं बाबा के जीवन से कंपेयर करता हूँ कि बाबा ने कितना बड़ा त्याग किया, मैं क्या त्याग करता हूँ, कुछ नहीं। बाबा ने कितनी तपस्या की, बाबा ने कितनी सेवा की, और बाबा कितना जीवन सादगी भरा था, उसका हमारे मुकाबला ही नहीं है। तो उस जीवन को, बाबा के जीवन को मैंने हमेशा प्रेरणा दे रहा है, आज तक दे रहा है, और उसके कारण से मैं सफलता के सितारे पर हर तरह से पहुंचा हूँ। मेरा साथी ब्रह्मा बाबा जी साथ था, उनके साथ रहा हूं, तो ऐसा हमारा संबंध बन गया था जैसे कोई दोस्त का संबंध हो, बाप का संबंध हो, एक परिवार का संबंध बन गया था। और इसलिए मैं परिवार के साथ बाबा के पास गया, खूब मिले, बाबा ने खूब हमारी पालना की। तो साक्षात बाबा की पालना का रिजल्ट है जो आज तक मैं भूल नहीं सकता और मेरे जीवन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। बहुत सुंदर भाई साहब। तो जैसे कि आपने बताया कि क्रांतिकारी परिवर्तन ब्रह्मा बाबा को देखकर आपके जीवन में आया, और भाई साहब हमें ये भी पता है कि इस वर्तमान समय जो ब्रह्मा कुमारीज की बिजनेस और इंडस्ट्री विंग है, इस गांव में भी आप बहुत समय से लगे रहे, लेकिन पूर्व से आप इस विंग के खास चेयरपर्सन भी बने हैं। चेयरपर्सन बने और इतनी एज में, अगर आज आपकी एज पूछे तो आपकी एज भी बहुत है, लेकिन फिर आपको ये अव्यक्त पालना के पार्ट पर
क्या बाबा ने आपको, बाप दादा ने आपको ये वरदान दिया, या जब बाप दादा से आप सम्मुख स्टेज पर मिलते थे तो बाबा आपको इन सब कार्य करने की कोई प्रेरणा देते थे? वैसे तो देखो ऐसा मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैंने तो बताया ना, बाबा का जीवन जो था वो ही मेरे को प्रेरणा दे रहा था हमेशा। और बाबा के पास जाते थे तो बाबा तो ऐसी बातें बताते थे हर बात में, जैसे बाबा कहता गोल्ड जो मोल्ड होता है, ऐसे कुछ बातें बताते और उसी से मेरा जीवन बदल जाता। अध्यक्ष बाबा के पास जाने से ही खुशी का पारा अपने आप चढ़ जाता था, और उसको बोलिया नहीं बोले, मैं जानता था जीवन जो अध्यक्ष बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, वो भी अव्यक्त है ना, उनके साथ है, और मैंने उनसे खूब पालना लिया है और उस जीवन से प्रभावित पूरा पूरा हूँ। बाबा भी जानता था, तो मेरा अव्यक्त बाबा के साथ में भी काफी अच्छा संबंध रहा है, खूब मिले जुले हैं, और मतलब परिवार से भी मिले जुले हैं, और शायद इतना मिले जुले हैं शायद दूर से नहीं मिल सकते थे। हम बाबा के पास बैठ जाते थे नीचे, और उसके बाद में कितनी देर मिलना है कोई पूछने वाला नहीं था, वो हमारे पर था कितनी देर मिले बाबा। और बाबा हमको हटने से, व्यवहार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से हटने से, मतलब बाबा को हमारा खुला खाता था और बाबा का डायरेक्शन भी मिलता ही रहता था। उसी डायरेक्शन पर मान देखो आज मैं जीवन में हर फील्ड में मेरा नाम भला हो रहा है, ये तो उसी की करामात है, उस करामात को मानता हूँ। तो भाई साहब, जैसे आपने कहा कि परिवार, आपने कहा कि परिवार का साथ भी मुझे मिला और परिवार मेरे साथ बाप दादा को मिलने गया, तो आपको परिवार को साथ लेने में, बाप दादा के साथ जाने में आपको कोई कठिनाइयां आई या आप देखिए शुरू चले गए? नहीं, शुरू में तो देखो एक नई चीज होती है तो कठिनाई आती है, क्योंकि लेडीज को ही रहता है कि कहीं छोड़ के चला जाएगा, क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये तो आता है ना बहनों को। तो उसको ये चिंता थी कि भाई उसको और परवाह नहीं थी, ये थी भाई मेरे उस समय आप देखो 6 तो बच्चे थे और मैं 34 साल की उम्र थी और मेरा बिजनेस शुरुआत था। ऐसे माहौल में अगर मैं इस लाइन में जाता हूँ तो परिवार को सोचना तो पड़ता है ना थोड़ा बहुत, तो सोचा तो था, लेकिन मैं उसकी धारणाएं बहुत अच्छी थी और अच्छी वो आत्मा थी, तो हम दोनों मिलके वहाँ बाबा के पास भी गए। बाबा ने खूब अच्छी पालना दी, अच्छी तरह से पूछा ताछा, बोले बच्ची इसको घुमा कश्मीर घुमाया कि नहीं, बाबा बने तो नहीं घुमाया, कश्मीर घुमाओ इसको, जाओ अहमदाबाद ले जाओ, मुंबई ले जाओ, और उसकी साड़ी देख के कहते बाबा अच्छी साड़ी है, और उसको भी बाबा को देख के खूब प्रेरणा आती थी। तो हमारा मतलब इतना उलझा हुआ काम नहीं रहा, जल्दी थोड़ा सा था भाई छोड़ के, फिर इसके बाद में हमारा लाइन ठीक हो गया, और परिवार के साथ रुक्मणी के नाम से खूब चला है। सब बहनें जितने भी टॉप की बहनें हैं सब खूब जानती हैं, सबसे मिलते जुलते, मेरा इंडिया से सारा कनेक्शन है, कलकत्ते से बिजनेस का, दिल्ली वगैरह, जयपुर साउथ, तो हम जाते रहते थे, सब मिलते थे। और तो उसकी भी सेवा अभी 3 साल पहले चली गई है वो, लेकिन उसका पार्ट बहुत अच्छा था, अच्छा पार्ट था, अच्छी तरह निभाया। भाई साहब, जैसे कि बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, और मैं जो हमारे भाई बहने इसको सुन रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हम गृहस्थ में रह के भी इस जीवन में परमात्मा की मदद को ले सकते हैं, उसकी मदद का अनुभव हम ब्राह्मण परिवार ही कर रहा है, और आपके सामने एक रत्न जो आज हमारे सामने मदन भाई हैं, कितना सुंदर अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो मदन भाई, जब छोटे छोटे आपके बच्चे थे, आपने कहा हमारे 6 बच्चे थे छोटे थे, और आपकी जो वाइफ थी, कहें बाबा बाबा तो कहते थे साथी, वो बहुत सपोर्ट करती थी। तो बच्चों को बाबा जब मिलते थे या अव्यक्त पार्ट में जब बच्चे आपके साथ जाते थे, तो आपका क्या अनुभव होता था बच्चों को लेकर आपके? नहीं बच्चों तो मान लिया, उस समय तो बच्चे पढ़ाई की में लगे रहते थे ना, लेकिन एक दफा एक बच्चे को साथ, जो छोटी बच्ची थी 5-6 साल की, तब तो पहली बार बाबा से मिलने गए थे, वो भी साथ थी, तो हमने कहा, वो पहले मिली हुई थी बाबा से, तो हमने कहा चलो बाबा से मिल लो, अरे बाबा थोड़ी तो लुगाई बैठी है, उसने ये कहा। तो ऐसे मिलते थे बाबा से, बाबा भी मजे करता था ऐसे मिलने जुलने में, परिवार जाता था सारे ले जाता था, कभी पूरा परिवार भी गया हुआ है, और सारे अभी तो मेरा पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, 4 लड़कियां हैं, उनके हस्बैंड है, और बच्चे वगैरह सारा इसमें लगे हुए हैं, मेरा परिवार पूरा लगा हुआ है इसमें, मेरे को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सब खुश होके और बाबा के एक में अपना योगदान दे रहे हैं सारे। भाई साहब, जैसे आपने कहा कि सारा परिवार लगा हुआ है, और आप जयपुर में, आप शुरू से जयपुर में थे, या बाबा ने आपको कहा कि जयपुर में आपको सेवाएं देनी है, वो क्या पार्ट था आपका? नहीं मैं तो ऐसा था, मेरा बिजनेस जयपुर कलकत्ते में था, मेन सिल्वर स्टार बनियान वहां बनाता था उस समय, और जयपुर में मेरा रेजिडेंस था, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ था, लेकिन बिजनेस मेरा यहाँ भी चल रहा था और वहां भी चल रहा था, और फिर अभी साउथ में बाद में गए हम, तो बिजनेस सब जगह चल रहा था,
और सब जन जाते आते थे साहब, इसलिए बाबा ने कोई भेजा नहीं। जहां गए आप सर्विस की, कलकत्ते में गए तो खूब सेवा की, वहां सेंटर आप बांगर डेवन में देखो, आप मैं निमित्त बन के बनाया है। साउथ में त्रिपुर में कोयम्बटूर के पास है, वहां सेंटर बना हुआ बहुत बड़ा, मैं निमित्त हिसाब से। और यहाँ भी बाबा ने जयपुर में खूब निमित्त बनाया, वैशाली वगैरह सारी सेंटर से। तो मेरा तो ये रहता था कि बाबा मेरे लिए सब कुछ है, जितना कर सके करे। मेरे साथ में एक पार्टनर था जगदीश अग्रवाल, वो चला गया है, वो दोनों हम साथी थे इसमें। और वो भी कहता था जितना बाबा के यज्ञ में हम जितना कर सके। इसलिए बाबा मेरे को कोई भी चांस दिया सर्विस का, मैंने कभी ना नहीं किया, चाहे बिल्डिंग का हो, जमीन का हो, जायदाद, हाँ जरूर करना है। और बाबा ने सफर फाड़ के दिया, मैं तो एक ऑर्डिनरी वे से ऊपर उठा हुआ था ना, तो बाबा ने दिया और बाबा ने मेरा भाग्य बना दिया। एक्चुअली देखा जाए तो बाबा का ही कमाल था कि जो मेरा भाग्य भी बना रहा है, मेरे को दे भी रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहा था। तो देखिए हम सुने तो कितना सुंदर कि जो दिया वो भी बाबा ने, और जो बाबा ने लगवाया यज्ञ में वो भी बाबा ने लगवाया। तो अपने आप में ये बाप दादा की जो टचिंग और जो मदद आप भाई बहनों से आज सुन रहे हैं, इसका कितना गहरा इम्पैक्ट, कितना गहरा एक छाप हम ब्राह्मण परिवार पे है। तो भाई साहब लास्ट एक प्रश्न में यही पूछना चाहूंगी, जब अब अव्यक्त पालना का पाठ शुरू हुआ, हाँ ब्रह्मा बाबा के बाद अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, तो आपको कौन सी चीज ज्यादा शक्तिशाली लगी? जब ब्रह्मा बाबा के समय पे आप मिलते थे तो आपको वहां शक्ति की महसूसता होती थी, या जब अव्यक्त पाठ में आए तो आपने कुछ अलग अनुभूति की, तो क्या अनुभूति थी दोनों तरफ में? देखिए, मैंने बाबा को लास्ट टाइम में 15 दिन पहले ही साकार बाबा से मिला था, और साकार बाबा ने मेरे को एकदम पावरफुल स्टेज से कहा था, बच्चे मुझे विश्व का कल्याण करना है, और बाबा विश्व के कल्याण के लिए चला गया। तो मेरे को पहले से हिंट दे दिया था विश्व का कल्याण करना है। तो साकार बाबा के संत थे, और जब बाबा अव्यक्त हुआ तो हम, मैं कलकत्ते से वहां आए, मधुबन में भी आए थे हम, और उस समय चहल पहल थी क्या होगा अभी, लेकिन जब बाबा के अव्यक्त, बाबा के वो मुरलियां चली, कुछ गाने सुनाया, तो सारा साफ हो गया कि बाबा का काम ऐसे चलना होना ही हिसाब से। तो उसके कारण से फिर हमारा ठीक है, बाबा का तो काम चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसमें मेरे को मिलने से, तो देखो बाबा के मिलने से तो खुशी खूब होती है, साकार बाबा से भी, साकार बाबा का मिलना एक दूसरी बात, वो तो साकार था ना, बैठे हैं बातचीत करने। अव्यक्त बाबा का एक ऊपर स्टेज हो गई ज्यादा, वो तो एक स्प्रिंग, आप आदमी बात करें, छोटी सी बात करें, ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो तो एक पावर जबरदस्त है ना। अव्यक्त बाबा की पावर तो एक दृष्टि में बहुत बड़ी पावर समाई हुई है, साकार बाबा की दृष्टि लेने में शायद टाइम लगे, लेकिन अव्यक्त बाबा की दृष्टि में टाइम थोड़े लगा, क्योंकि पावरफुल बैठी है हिसाब से। तो अव्यक्त बाबा के साथ में रहने से दृष्टि का और भी ज्यादा रहा, और अव्यक्त बाबा ने बहुत बड़ा, मतलब हर काम में बाबा ने मदद भी की है वैसे, मतलब बाबा ने अव्यक्त रूप से। तो मैं आपको बताऊं, मेरा कलकत्ते में 69 में बिजनेस में गड़बड़ हो रहा था, और बाबा, तो बाबा ने खुद ने, अव्यक्त बाबा ने मिले तब कहा, खुद ने बुला के कहा कि तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है, मैंने नहीं कहा। तो बाबा मेरा इतना ध्यान रखता था, साकार में भी निराकार में भी, भाई ये तो कहेगा नहीं, लेकिन बाबा पूछ लेता था, या मेरी कोई समस्या होती तो बाबा अपने आप हल कर देता था। मैं आपको बताऊं, ये जो अभी जयपुर में आप आए थे, इतना बड़ा खुला है ये, तो उसका मेरा कोई विचार नहीं था। आज के 10 साल पहले मैं मधुबन में रहा था, उस समय बाबा ने टच किया कि तुमसे एक सेंटर खोलूं, मैंने कहा ठीक है। यहाँ सेंटर जयपुर आए, आते ही मेरे को ऐसी बिल्डिंग मिल गई सेंटर के लायक के, कि पूछो मत, आते ही कोई दिक्कत नहीं हुई, अपने आप ही मिल गई, भाड़ा दे करके किराया, और बाद में ये बिल्डिंग बना दी। और बिल्डिंग कौन बनाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी, तो बच्चे तो काम में लगे हुए थे, लेकिन बाबा ने अपने आप भेज दिया कि मैं बनाऊंगा बिल्डिंग, और घर बैठ गई। और वो अच्छा आदमी था, हमारा जानकार भी था, बोले मेरे को साधु मैं बनाता हूँ, और बाबा ने बनवा दिया। तो बाबा को अगर हमारे संकल्प पावरफुल हो, क्योंकि संकल्प से सृष्टि चल रही है अभी, अगर संकल्प पावरफुल हो, श्रेष्ठ हो, और प्रैक्टिकल में हो, तो बाबा अपने आप ही पूरा कर देगा आपको, आपको कहने की दरकार नहीं। बाबा को उनको युक्ति लगा करके, कैसे भी करके, जितना आप कर सको करो, नहीं कर सको तो बाबा और कोई युक्ति लगा देगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि बाबा युक्ति लगा रहा है, क्योंकि मन लगता हूँ कि बाबा काम था जो करा रहा नहीं, थोड़ी हो सकता है। तो बाबा मैं समझता हूँ मेरा प्रैक्टिकल में, चाहे घर गृहस्थी का, बिजनेस का, पूरा ध्यान रखता है, और पूरा सफलता के हिसाब से ले जाता है। अभी आप देखो, बीमार हो गया था, आपको पता है कैंसर हुआ था मेरे को, 6 कीमो लिए थे मैंने, और डॉक्टर ने कहा था तुम उठ बैठ नहीं सकोगे, और मैं यही इलाज करा दिया, कहीं गया भी नहीं, और बाद में डेंगू चिकनगुनिया भी हो गया, फिर कोरोना भी हो गया, और इस उम्र में 93 में अब पैदल चलता हूँ, अभी दुबई वगैरह भी घूम के आ गया हूँ, जबकि मैं पड़ा हुआ था हिसाब से। इतना इस उम्र में ठीक कोई हो नहीं सकता, लाभ नहीं है, और मैं भी नहीं हो सकता था, मुझे मालूम है इस बात का, लेकिन क्या बाबा ने युक्ति लगाई है, मेहनत करवाता है, ऐसा भी नहीं है,
लेकिन बाबा विधि से सिद्धि कैसे करवा रहा है वो वंडर बाबा का ही। ना मैं इस समय आपके साथ ऐसी बात थोड़ी कर सकता हूँ, एंजॉय कर ही नहीं सकता इस उम्र में। आपको बताओ कोई मधुबन में तो कोई है ही नहीं भाई, लेकिन दुनिया में भी कम मिलेंगे आदमी, और अब मेरे को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, जबकि मैं एंजॉय मेरी खुशी का भी नहीं करने देता। मेरे रुक्मणी माली मेरे साथ ही गया तो मेरे को जरा भी नहीं आया कि गई। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो हिसाब। तो ये बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे को कहीं इधर उधर होने नहीं देती है, क्योंकि मैंने बाबा को सरेंडर किया पूरा शुरू से, और मेरा फर्स्ट बाबा है जीवन में, और बाद में सेकंड ये है, लेकिन बाबा ने मेरे को वैसे ही फर्क रखा। कोई भी काम है बाबा की सेवा के अंदर, मैंने चाहे कलकत्ता हो, चाहे साउथ हो, चाहे मधुबन हो, चाहे दिल्ली हो, सब जगह जितना हो सके मैंने कोशिश की, जितना करो करो। और उस कोशिश में बताया ना मैं क्या करता हूँ, वो तो ऊपर वाला दे रहा है मेरा। आज मैं समझता हूँ इतना बड़ा भाग्य बना दिया, थोड़ी बन सकता है आज। आज बच्चे भी नहीं बना सकते, बच्चे भी खुश हैं कि हमारा भाग्य बन रहा है। ये देखो आप, ये इतना बड़ा देख के बच्चों को भी खुशी होती है कि हमारा कितना भाग्य बन रहा है। तो ये लाइन बाबा ने ऐसी बताया कि मेरे को जरा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं घर में मान लिया खुद पूरी मद करते हैं, बच्चे बैठे हैं खुश है, सेंटर में जाते हैं वो जाते हैं बहन, और ये साथ में देखो उसने बनवाई नहीं दिया, बहने भी वहां अच्छी भिजवा दी। मैंने कोशिश थोड़ी की हो सकता है कुछ भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन मैंने देखा बाबा काम पड़ना है, और बाबा ने अपने आप मैनेज किया। जो अब तक जो रिकॉर्ड है बहनों का और का, बहुत बेस्ट रिकॉर्ड है, अच्छा चला रहे, बहुत खुशी चला रही थी। मेरे को बहुत खुशी है कि इस उम्र में बाबा ने मेरे को इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी है। बहुत सुंदर, जैसे कि शर्मा भाई जी हमें एक बहुत सुंदर एक बात बता रहे हैं कि अभी जयपुर में वर्तमान समय बहुत सुंदर एक रिट्रीट सेंटर बना है, और वो बहुत ही प्यारा एक रिट्रीट सेंटर है जिसकी की सारी अगर पालना कहें तो भाई साहब का यही है कि बाबा को कराया है, लेकिन निमित्त बाबा ने शर्मा जी को बनाया, और उसके साथ जो वहां पर हमारी रहने वाली बहनें हैं वो भी बहुत प्यार से उस रिट्रीट सेंटर को चला रही हैं। तो यहाँ पर जो हम भाई बहनें सुन रहे हैं कि आप देखिए कि 93 की आज एज है, और आज ऑनलाइन जूम पर साथ आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना अनुभव, लेकिन ये पालना के बाबा कैसे अब भी अव्यक्त रूप से हम बच्चों की, एक एक बच्चे की पालना करता है। और जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि बोझ मैंने कभी लिया नहीं, लेकिन बोझ सदा ही बाबा को दिया, बोझ क्या है वो पता ही नहीं। तो आप देखें कि कितना मैसेज और कितनी पालना का एक स्वरूप आज हम शर्मा जी की बात में, उनके अनुभव में देख रहे हैं। कितनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम आई, लेकिन आई और गई, और अब डे बाय डे आप यंग होते जा रहे हैं। तो भाई साहब एक बात कोट करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, जो ओल्ड होता है वो सदा ही गोल्ड हो जाता है। तो आपके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमें भी लग रहा है कि हम ऐसे अनुभवी रत्नों के बीच में बैठे, तो बाबा से जिगरी प्यार, और एक बाबा ही आधार है, उस पट्टे पर आप खड़े हैं जो आज आपके बात से और आपके वाइब्रेशन से हमें महसूस हो रहा है। तो साथ में लास्ट में यही कहना चाहूं, यही आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब आप अव्यक्त बाप दादा को स्टेज पर मिलते थे, और अव्यक्त बाबा आपको जब टोली देते थे, दृष्टि देते थे, तो कभी बाबा ने आपको कोई वरदान के रूप में कुछ कहा, या बाबा ने आपको दृष्टि से कुछ कहा, या आपने बाबा से कभी कोई अपने लिए या सेवा के लिए कुछ पूछा? नहीं तो कभी कभी बात होती है, एक दो बार मैंने पूछा, जैसे मैं चल रहा हूँ बाबा, ठीक चल रहा हूँ बोला ठीक है ऐसे ऐसे बाबा उसको कर देता था भाई ठीक है, और ज्यादा बात तो हो नहीं सकती थी ना वहां स्टेज पर तो, लेकिन वैसे बात पहले खूब होती थी बाबा से बातचीत। बहुत सुंदर, मन तो कर रहा है नहीं आप नहीं कोई और बात नहीं हो तो अब आप जरूर अभी बताएं। अभी आपको बात बता रहा हूँ कैसे अभी बाबा यहाँ से अभी जो पालना कर रहा है उसका रहस्य समझो। एक तो मुरली के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कितना दिया आप देखो, कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म मैंपन का और सब पवित्रता का कितना बाबा ने मुरली चलाई है। दूसरी बात बाबा की मनसा सेवा का है ये, अगर बाबा ने बार बार ये कहा कि मन बुद्धि को एकाग्र कर, मन बुद्धि को कंट्रोल करके अपने और कंट्रोल करके एकाग्रता का परम धाम में एकाग्र हो जाओ, या दूसरी बात है मन बुद्धि को, मन बुद्धि के मालिक बन, परम धाम के बाबा के साथ सारे विश्व को सकार दो, और तीसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ आप बॉडी, बाबा ने कहा परमात्म बम मारो, परमात्म बम बाबा कहता है धरणी को परिवर्तन करो। कैसे परमात्म बम क्या है, सहज साधन है, सदा
मुख पर संकल्प में बाप दादा बाप दादा की निरंतर माला के समान सुनती रहे। धुन लगाओ संकल्प में, बोल में, कर्म में, अखंड धुन लगाओ, ऐ जपा जाप करो तो सारा काम। तो मैंने देखा इससे बाप और दादा दोनों साथ होते हैं, तो इसमें अगर मान लिया हम रट्टा भी लगा लेते हैं, वैसे भी करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो उसी स्टेज पे बैठ जाते हैं कि बाबा कौन है, साकार कौन, निराकार कौन, दोनों साथ हैं और परम धाम में बैठे। तो उसके बाद भी मैं समझता हूँ लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, उससे अच्छी शक्ति मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव लग रहा है हिसाब से। और फिर संकल्प की शक्ति है, संकल्प के आप देखो कि बाबा संकल्प से तो करता है सारा काम। ब्रह्मा बाबा बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा संकल्प से हरे की मदद करता है। अगर हमारे शेष संकल्प होते हैं, कर्म होते हैं, तो बाबा अपने आप आपका पूरा कर देगा काम, दिल से आप करते हो, सच्चे दिल से करते हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सब संकल्प की शक्ति खूब दे रहा है बाबा। मैं आपको बताऊं मेरा कभी खुशी गायब नहीं होती, अगर होती है तो मैं देखता हूँ बाबा कहाँ से आ गया है मामला। तो ये संकल्प का काम मैं समझता हूँ, अभी संकल्प के ऊपर ही बाबा बहुत दे रहे हैं। ये अमृत पालना का मैं समझता बहुत बड़ा महत्व इसमें, और योग में भी बहुत बड़ा महत्व, सर्च लाइट देने में, मनसा सेवा, मनोबल की सेवा, इसका बहुत बड़ा रोल है। और उससे मेरे को दिक्कत नहीं होती कोई भी, मैं तो बैठा और बाबा चढ़ा देता ऊपर से सारे विश्व को सकार देने के लिए, ऊपर से बाबा दे रहा है परम धाम से, ओर से उसी सकार में रखता है हिसाब से। मतलब इंजॉय, टोटली इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, कोई ऐसी बीमार नहीं। मान ली थोड़ी बहुत बीमारी है तो ठीक होती रहती है, ठीक है, पर नहीं सोने में दिक्कत होती है, न खाने में दिक्कत होती है, ऐसा मजा करता हूँ। तो मैं कहता हूँ बाबा को धन्यवाद, इन लाइफ बड़ी जोरदार बन रखी आप। फिर आप लोगों का सबका दुआएं खूब है इसमें, दुआएं वो ठाक हो रहा है तो अच्छा और कार्य चल रहा है। तो आपने इतने इतना जो किया है, मैं आशा बहन को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा बहन हमारा ध्यान बहुत रखती है, ये बात तो राइट है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है हर चीज में बोलने करने के लिए, तो उनको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, जो इतना टाइम दिया। और कोई सेवा हो तो बताओ। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब आपका। आप खास ऑनलाइन जयपुर से हमारे साथ कनेक्ट हुए और हम इस एपिसोड में आपने हमको बहुत सारी जो ब्रह्मा बाबा की प्रेरणाएं आपने ली, जो अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं आपने अपने अंदर ग्रहण की वो आपने हमें बताया। तो जो दर्शक या जो भाई बहने इस एपिसोड को सुन रहे हैं वो भी लगातार इस प्रोग्राम में बने रहे और बाप दादा की अव्यक्त पालना को जैसे जैसे जो सुना रहा है हम आपसे यही कहेंगे कि उसको अपने सामने लेकर आए तो सिर्फ एक शर्मा भाई के नहीं, एक जयंती दीदी के नहीं, लेकिन आपके खुद के बहुत अनुभव होंगे जो आपको बहुत कुछ अंदर ही अंदर खुशी में गदगद आप सदा रहे इसके लिए आपको प्रेरणाएं देते रहेंगे। वो तो तो ऐसा जी कंबाइंड है, मैं तो समझता हूँ बाबा कंबाइंड है, मेरे साथी है, जी बिंदी बन के बिंदी बाप है, साथी मेरा भी, उस करो अच्छा अनुभव करा रहा बाबा, कोई दिक्कत नहीं हिसाब से। सो शुक्रिया भाई साहब, थैंक ठीक है, धन्यवाद यू, आप आपको, ज्वाइन करने धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति।